हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। और अपने हालचाल आप सभी भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। इस टाइम पे 9:30 हो रहे हैं और अभी मैं एकदम रेडी हूँ। और आज है 30th ऑफ अप्रैल और आज है मतलब कि रिटायरमेंट पार्टी है आज हमारी। वैसे पिछले कल भी थी, आज भी है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस। सबसे पहले मुझे जाना है मार्केट, मुझे थोड़ा सा काम है। उसके बाद मुझे जाना है स्कूल, क्योंकि वहाँ पे हमने थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह किया है। क्योंकि जो रिटायर हो रहे हैं वो मेरे बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि हम दोनों की आंगनवाड़ियाँ आगे पीछे है साथ साथ में। और सबसे पहले मैं शायद से जब यहाँ आई थी उसके बाद, मतलब मेरी शादी हुई, मेरी शादी के बाद मेरी जॉब डायरेक्टली लगी है। उसके बाद मैं मतलब कि मैं जिसको सबसे पहले जानती थी वो वही थे, और मुझे काम भी उन्होंने ही सिखाया हुआ है। तो उनकी रिटायरमेंट है आज, और पूरे 40 सालों की नौकरी है उनकी, और उसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पेशल करना तो उनके लिए बनता है। तो उसके लिए पहले मुझे मार्केट जाना है, उसके बाद जो है वो हम वहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, उनके स्कूल जाएंगे, मेरे स्कूल तो नहीं, उनके स्कूल। और उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग ऑफिस के लिए डायरेक्टली। तो चलिए फिर, आप सभी भी इंजॉय कीजिएगा इस व्लॉग को और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं थोड़े बहुत से ग्लिम्प्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपका व्लॉग ये हमारी आंटी जी जो हमारे को अब छोड़ के जा रहे 40 सालों की पूरी पूरी जॉब करके। और हमारे वैसे ना, मैं बोलती हूँ सच सच में दिल से आंटी ना, कि आपको तो क्या बुरा लग रहा ना, जो हमारे को लग रहा, हमारे को नहीं हो ना अब कोई गाइड करने वाला भी नहीं। सोचो आप क्यों है ना। Yeah.
मेरे को आती भी याद भी। आप जाओ मैं बनाती हूँ वीडियो। मैम आप तो जी अब हम चल पड़े हैं, हमारे ऑफिस से 2 मिनट की दूरी पर है एक होटल हवेली, जहाँ पर खाने वगैरह का किया हुआ था इन्होंने, मैम वगैरह ने इंतज़ाम, तो वहीं पर ही जा रहे थे। ये थोड़ी सी पार्टी रखी थी इन्होंने, अपने थोड़े क्लोज़ रिश्तेदारों को बुलाया हुआ था और साथ ही साथ में हम सारी वर्कर्स भी थी और हमारे साथ सुपरवाइज़र मैम भी। हेलो एवरीवन, सो जी अभी समय हो रहा है पूरे 4:10 का और इस टाइम पर मैं अपने घर पर पहुंच चुकी हूँ। तो रिटायरमेंट पार्टी बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा अच्छी, आप सभी ने देखा होगा। तो मतलब कि किस तरह से ना इतना टाइम मतलब कट जाता है, स्पेंड हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और आप मतलब कि आप सभी लोग भी ये चीज़ जानते हो और कि मतलब हम लोग ना अपने घर पर शायद से हमारा कम लगाव रहता है, बट जहाँ हम बाहर जाते हैं ना, स्पेशली काम करते हैं अपना, वहाँ जिन लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि घर पर आके भी ऐसा होता है ना कि फ़ोन कॉल्स, हाँ अच्छा ऐसा आज ऐसा हुआ, अब ऐसा करना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, वैसा होता है। मेरा तो ऐसा होता है, पर बाकियों का मुझे नहीं पता है, मैं अपना बता रही हूँ। हमारा तो ऐसा होता है कि मतलब जब मैं उनको आंटी को फ़ोन करती थी ना कि ये कैसे करना है, ये वो भी कभी कुछ होता है कि हाँ ऐसा हो गया है फ़ोन में, ये करना है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि याद आएगी हमें तो उनकी। यार वो तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो ना अपना काम हमेशा क्लियर और क्लीन करके रखते हैं। हम अगर सरल और सही शब्दों में बोले ना तो मतलब सही समय का सदुपयोग कैसे करना है ना, वो तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। क्योंकि वो ना यार मतलब अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं ना, पोजेसिव, वैसे वैसे लेडी है। तो चलिए फिर इस व्लॉग का भी एंड कर देते हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा व्लॉग। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल